चाहूंगा उद्बोधन के लिए आप पधारे रामनिवास जी कावड़िया, जो विकास के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक बार सभी से निवेदन, अपने मोबाइल को निकालें, उसकी टॉर्च को ऑन करें, जिनके पास भी फोन है अपनी टॉर्च को ऑन करें। बहुत सुंदर ड्रोन से इस फोटोग्राफ को गोपाल जी कवर करें। बहुत सुंदर दृश्य, विधायक महोदय रामनिवास जी कावड़िया। शिवजी बाबा की इस पावन धरा पर और आप और हम सब की ओर से इस मंच पर उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधियों और हमारे प्रसिद्ध कलाकार भाई प्रकाश जी माली, आप सब लोगों का शिवजी बाबा और वीर तेजाजी महाराज की पावन धरा पर पूरे परमेश्वर वासियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जिस तरह का खुशनुमा माहौल आज बाबा के प्रांगण में दिख रहा है और मुझे लगता है कि आप और हम सब लोगों की आस्था इतनी मजबूत रही है बाबा के प्रति और बाबा ने ये बात दिल से सुन ली कि परमेश्वर विधानसभा क्षेत्र की जनता बड़ी शिद्दत से मुझे चाह रही है। और उसी वजह से जब पिछले साल हम सब लोग यह कार्यक्रम में पधारे थे, उससे 4-5 गुना संख्या में आप सब लोग पधारे हो, आप सब लोगों का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हजारों की तादाद में माताएं बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी जोश और उत्साह से लबरेज, जिन्होंने बाबा के नारे लगाते हुए परमेश्वर शहर से लेकर यहां तक पूरे सब लोग अपनी श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे जोश के साथ यहां पधारे हैं, हम सब लोगों के लिए आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच में ऐसे कलाकार आए जिन्होंने पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में ख्याति प्राप्त की और आपके समाज का और अपनी कला के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। मैं उनके लिए भी ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में जब भी आप लोग आज के 12 साल पहले आए और इस पावन धरा पर आज आपको वापस आने का मौका मिला है, तो निश्चित तौर पर यहाँ की जनता आप लोगों को इतना मान सम्मान देकर भेजेगी कि पूरे राजस्थान में आप सब लोग जाकर परमेश्वर की वाहवाही करेंगे। साथियों, मुझे कुछ दिन पहले कहा गया कि बाबा के कार्यक्रम है और आपको पधारना है उसमें। मैंने कहा जब राजस्थान की विधानसभा का चुनाव था 2018 में, मैं आप लोगों के बीच में एक अनजान व्यक्ति के रूप में पार्टी का टिकट लेकर आया और उस दिन आप सब लोगों ने पूरे मन से आशीर्वाद देकर मुझे राजस्थान की विधानसभा में सबसे नौजवान विधायक के रूप में भेजा। उसी दिन में आपने जब जिस गांव में गया, जिस ढाणी में गया, आप लोगों ने जो जो समस्याएं बताई, मैं कई दिनों तक आप सब लोगों के बीच में बैठता रहा। लोगों ने कहा कि समाज का मंदिर है, 36 कौम के लोग मानते हैं, लेकिन सदियों तक हम सब लोगों ने जिस भी पार्टी का नेता आया उसको वोट देकर जिताकर भेजा, लेकिन जब शिवजी बाबा के यहाँ लाइट पहुंचाने की बात आई, पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाने की बात आई या सड़क की बात आई, तो ये कहकर टाल दिया गया कि नियमों में नहीं आता।
और जब मुझे ये बात पिछली बार में कार्यक्रम में आया उससे 5 दिन पहले नौजवानों ने ये बात कही कि कार्यक्रम तो हम लोग करवा रहे हैं लेकिन हमें इस बात का भरोसा दिलाइए कि 2 या 2.5 किलोमीटर ये जो दूरी पड़ती है इसमें हमारे ना तो पोल लगे हुए हैं ना तार। हम चाहते हैं कि जिस दिन कार्यक्रम में आप लोग आओ उस दिन वहां लाइट पहुंचनी चाहिए। मैंने इनको कहा कि जब तक लाइट नहीं पहुंचेगी मैं आप लोगों के कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि बाबा के आशीर्वाद से और आप सब लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, जो ताकत दी, उस ताकत की बदौलत मैंने मात्र 5 दिन में यहां लाइट पहुंचाकर आप लोगों के बीच में पिछले साल कार्यक्रम में आया था। और जब मैं यहां आया तो मैंने देखा कि मेरे साथ सैकड़ों गाड़ियां आ रही है लेकिन जो रास्ता इतना दुर्गम है कि मुझे नहीं लगता कि रात के समय में जब कोई यहां आए तो कोई दुर्घटना हो सकती है या कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसे हम सब लोगों को जान माल की हानि हो सकती है। और आप सब लोगों ने यह कहा था कि एमएलए साहब जब अगली बार कार्यक्रम में आप आओ तो हम चाहते हैं कि यहां सड़क बन जाए। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि पिछली बार इस पावन और इस पवित्र स्थान से मैंने आप सब लोगों के मेरे मुंह से जो ये बात बोली थी इन बाबा ने मुझे आशीर्वाद देकर इतनी ताकत दी कि आज यहाँ सड़क भी बन गई। और आज बारिश की वजह से अभी कुछ दिनों तक डामरीकरण का काम नहीं हो रहा लेकिन मैंने देखा आज इस कार्यक्रम में मैं जब आप लोगों के बीच में आया अच्छी सड़क बन गई है। 2 महीने बाद में उसके ऊपर डामर करके आप लोगों के लिए यहाँ हमेशा के लिए ऐसी सड़क बना दी जाएगी जो यहाँ जितने भी श्रद्धालु आएंगे जितनी जनता यहाँ आशीर्वाद लेने आएगी लोगों को लगेगा कि हमारे बाबा के मंदिर में जाने के लिए इतना अच्छा रास्ता है। मैं तो आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जाति धर्म ये सब लोग आज मैंने अगर किसी जाट के घर जन्म लिया तो ये मेरे हाथ में नहीं था लेकिन अगर आप सब लोगों के बीच में आकर आप लोगों से आशीर्वाद लेकर अगर मैं सब कौम के लिए काम नहीं करूं हर जाति के लिए काम नहीं करूं तो मेरी बात होती। लेकिन मैंने हमेशा प्रयास किया कि 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलूं, हर उस व्यक्ति की पीड़ा मिटाने का काम करूं जो वास्तव में जरूरतमंद है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 3, 3.5 साल, 4 साल में हम लोगों ने प्रयास किया और इस परबसर विधानसभा में पिछले 70 सालों में जो काम नहीं हुए उन कामों को करवा कर मैं आप लोगों के बीच में चुनाव में आऊंगा। साथियों, आप सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि पार्टियां आती रहती है, राजनीति हर 5 साल बाद बदलती रहती है लेकिन आप लोगों को जो आशीर्वाद देने के बाद आप लोगों के बीच में रहकर आपकी भावनाओं के अनुरूप जो काम करे उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोगों को मजबूती से उनका साथ देना चाहिए, चाहे वो सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज कहना चाहूंगा इस मौके पर कि आप सब लोग आशीर्वाद रखें, मैं आप लोगों के लिए हमेशा डटकर मुकाबला करूंगा, आप लोगों के कोई काम होगा उसकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। आज मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपके यहाँ नौजवान भाई गीसाराम जी माड़ी जो हमारे सरपंच के रूप में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, भाई लोकेश जी मालाकार, फौजी साहब, इन सब लोगों ने मिलकर नौजवानों की ऐसी टीम खड़ी की है जो इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा आगे रहते हैं और आगे रहकर हर व्यक्ति की सुख के अंदर दुख के अंदर वो लोग वहां पहुंच कर उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को आगे लेकर आइए ताकि आने वाले समाज में हम सब लोगों को एक प्रेरणा मिल सके कि ऐसे नौजवान लोग अगर आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर सामाजिक बदलाव होगा। आज मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मंच पर बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, आप सब लोग उनको भी सुनेंगे। भाई प्रकाश जी माली का हम सब लोग यहाँ स्वागत करते हैं, उनकी बात भी हम सब लोग सुनेंगे। और मैं आप सब लोगों को यही कहते हुए मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि अगर आपके यहाँ कोई और भी कमी रह जाए तो मुझे याद कर लेना, 2400 घंटे आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूंगा और मेरे साथ आप सब लोग जयकारा लगाएंगे, बोलिए चौधरी राम जी महाराज जय की, बोलिए सती मात की, बोलिए दादी ओले बाबा की। आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे, आशीर्वाद दिया, उस
के लिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। मंच पर विराजमान मेरे सभी नौजवान साथियों का माताओं बहनों के सामने मैं झुककर प्रणाम करता हूं। हमेशा आप सब लोग मुझे आप लाड प्यार से रखते हो और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपने जो सपने देखे हैं, आप लोगों ने जो उम्मीद देखी है, उसके ऊपर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सभी सामाजिक लोगों को साथ लेकर, हर धर्म हर जाति के लोगों को साथ लेकर इस परवसर में नया आयाम स्थापित करने का प्रयास करूंगा और जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर इस परवसर में किस तरह से शांतिपूर्ण माहौल बना रह सके, इस बात पर हम सब लोग काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः बाबा से यही कामना करूंगा कि हमारे परवसर विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता पर आपका आशीर्वाद रहे, दिन दुगुनी रात चौगुनी सब लोग प्रगति करें, हम सब लोग भाईचारे के साथ में मिलकर इस परवसर को आगे बढ़ाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथी कार्यकर्ता गोविंद जी और मुकेश जी मालिक की एक मांग भी है, इच्छा भी है कि आप जब भी यहाँ पधारे हैं, घोषणा की है, उसके बाद अगली बार आने से पहले उस घोषणा को पूरा किया है, तो सब लोग चाहते हैं कि इस स्थान को देव स्थान विभाग में भी जोड़ा जाए। तो आपसे निवेदन रहेगा इसके संदर्भ में भी कुछ आप गति दें, इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि परबसर हमेशा से वीर तेजाजी महाराज का पशु मेला जो लगता है उसके नाम से ख्याति प्राप्त है, और हम लोगों ने किताबों में पढ़ा कि पूरे एशिया भर में सबसे बड़ा अगर कहीं कोई पशु मेला लगता है तो वो परबसर की पावन धरा पर वीर तेजा पशु मेला लगता है, और मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से वो मौका मिला। 300 साल पुराना जो तेजाजी महाराज का मंदिर है उसके जीर्णोद्धार के लिए सरकार के माध्यम से हम सब लोगों ने मिलकर 2,34,00,000 रुपए सैंक्शन करवाए और उसकी नींव जिस दिन आप सब लोगों ने मिलकर रखी, मुझे लगता है कि हम सब लोगों पर ऊपर वाले की कृपा है कि चाहे केवाय माता हो जहां हम लोगों ने 1,00,00,000 रुपए लगवाए अभी सरकार के माध्यम से, वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में 2,34,00,000 रुपए हम सब लोगों ने स्वीकृत करवाकर उसका काम शुरू करवाया, और उसी तरह यहाँ सोजीराम जी के बाबा के भी हमने यहाँ चाहे पीने के लिए पानी की ट्यूबवेल हो, हम सब लोगों ने मिलकर, प्रधान जी और हम पूरी टीम ने मिलकर यहाँ काम किया, सड़क हो चाहे बिजली हो, हम सब लोगों ने प्रयास करके यहाँ काम करवाया। और आज यहाँ से एक मांग आई है कि आने वाले समय में सरकार के माध्यम से देवस्थान विभाग में या पर्यटन विभाग की तरफ से यहाँ सरकार की तरफ से कुछ राशि लगे जिससे यहाँ का जीर्णोद्धार हो सके। मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब भी राजस्थान का विधानसभा सत्र चलेगा तो मैं आप सब लोगों को भरोसा दिलाना चाहूँगा कि शिवजी बाबा के मंदिर की आवाज़ में राजस्थान की विधानसभा में उठाऊंगा, और निश्चित तौर पर बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो आने वाले समय में हम सब लोगों को ऊपर जो आशीर्वाद है वो दुगुना होगा, और हम सब लोग मिलकर बाबा के लिए सरकार के माध्यम से और हम सब लोग मिलकर भी इसमें काम करवाने का प्रयास करेंगे। साथियों, राजनीतिक बात मैं ना मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कभी भी इस तरह की कोई बात करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि जो पार्टियां धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांगने का काम करती है, हिंदू बनकर जो ढिंडोरा पीटने का काम करती है, माता पीट पीट के कहते हैं कि हम हिंदू है, ये मुसलमान है, आपने और हमने सबने एक हिंदू के घर जन्म लिया, आज हम सब लोगों पे ये ठप्पा लगाते हैं लोग कि किस तरह से धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, ये मंदिर की बात करते हैं, इस परबसर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 साल में चाहे तेजाजी महाराज का मंदिर हो, चाहे केवाय माता का मंदिर हो, चाहे शिवजी बाबा का मंदिर हो,
आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पैसा लगवाया। तो आप सब लोग ये सोचो कि देश किस ओर जा रहा है। हम सब लोगों को मिलकर इस परिपाटी को बदलना होगा, लोगों को संगठित रहकर। आजकल जो जातियों में आपस में धर्म में बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का समय है। जब सब कुछ लूट जाएगा तो आप और हम सब लोग देखते रह जाएंगे। और बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि कारवा लूटने वाला अकेला दोषी नहीं होता, जो कारवा लूटते हुए देखता है वो भी बराबर का दोषी होता है। तो आने वाली पीढ़ियां जब आप और हम सब लोगों से पूछेगी कि इस देश को बेचने का काम जब किया जा रहा था तब आप लोग क्या कर रहे थे, तब हम सब लोग भी बराबर के दोषी होंगे जो आज मिलकर इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज आप सब लोग यहां पधारे हो, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सती माता मंदिर के लिए मैंने सड़क सेंक्शन करवा दी है, आने वाले 3-4 महीनों में कामर की सड़क बन जाएगी। धन्यवाद। राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत।